आज नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज रिलीज हुई है जो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है और मुझे ऐसी स्टोरी देखना बहुत पसंद है। इस सीरीज के बारे में मैं अभी से आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये सीरीज उन लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जो हमेशा एक्शन, मैजिकल दुनिया और फास्ट पेस स्टोरी ढूंढते हैं, बल्कि ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो मेरी तरह एक सच्ची स्टोरी पे बनी हुई मूवी या सीरीज को ढूंढते हैं। तो कैसी ये सीरीज आइए बताता हूँ। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। देखो इस सीरीज में होने वाले हैं 4 एपिसोड ओनली और चारों एपिसोड 45 से 50 मिनट के, यानी आपके करीबन 3.5 घंटे ओनली जाएंगे। ये सीरीज आपको हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी। अब इस सीरीज के बारे में ज्यादा बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी की। स्टोरी में एक लड़की है जिसे हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब मिलती है और उस जॉब को करने के लिए उसे सिटी चेंज करना पड़ता है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तो जब आता है जब लड़की जॉब करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसे पता चलता है उस हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा पर्सन है जो पेशेंट्स को धीरे धीरे करके मार रहा है, जिसने हर साल करीबन 40 लोगों को मारा है और लगातार 3 साल से मारता आ रहा है। अब वो कौन है और वो क्यों लोगों को मार रहा है उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। पर एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, इस सीरीज की मेन लीड एक्टर ने कमाल का काम किया है। उनकी एक्टिंग ने इस पूरी सीरीज को बांध के रखा होता है जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अब 4 एपिसोड की सिर्फ ये सीरीज आपका ज्यादा वक्त तो नहीं लेती और आपको ऐसा महसूस भी नहीं होने देती है कि आप एक सस्पेंस थ्रिल ड्रामा सीरीज देख रहे हैं। साथ ही इसका पहला एपिसोड काफी लाइट है, पर जैसे ही आप दूसरे एपिसोड में इसके एंटर करेंगे उसी समय से इस स्टोरी में हुक कर जाएंगे। इस स्टोरी को देखने के लिए बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए जो मेरे अंदर तो बहुत कूट कूट कर है। अगर आपको ऐसी सीरीज और मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखिए। बाकी मैं यही कहूंगा अगर आपके पास समय है तो इस सीरीज को देखना, आपको अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से मैं सीरीज को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार। आप देखिए सीरीज को, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच तो जरूरी है। बाय।